हाय नमस्कार सीमा हम मानो स्वागत करू छी एसपी ट्यूटोरियल को। तो चलते हम डेवलप करी टॉपिक पर कुछ। तो आज हम मैथ रो गोटे टॉपिक पढ़िया जोड़ा कि पिला मानकर प्राय कन्फ्यूज थाए कौन ना जुग्म अजुग्म आ मौलिक जौगिक नहीं पिला माने प्राय बड़े ऑड इवन आ प्राइम कंपोजिशन लेके पिला माने सब द्वंद्व रे थाते। तो आज हम ई चैप्टर रे जुग्म अजुग्म सहित मौलिक जौगिक भी भल भाव बुझा क्लीअर होग्म अजुग्म आ मौलिक जौगिक भितर कौन सी प्रकार द्वंद्व रही। तो फास्ट आम जुग्म अजुग्म देखा। देख जुग्म ये इवन नंबर अजुग्म हूँ ओड। तो जुग्म क्या कहुए तो तार गोटे डेफिनेसन लिखीजे कौन जाणी थो पे मैंने जो संख्याटी दुई द्वारा विभाज्य दुई द्वारा भाग कराइपू कौन जुग्म संख्या कह जाए ता मैंने कौन दुई द्वारा सूत्र जानते दुई द्वारा सूत्र आम पूर्व क्लास करते कौन जमीक एकक घर को जब शून दुई चार छः आठ होते से संख्याटा कौन दुई द्वारा विभाज्य मैंने कौन जुग्म संख्या बुझे जोटा कि एवं नंबर जो संख्याटी दुई द्वारा विभाज्य जुग्म संख्या कह जाए। एक्जाम्पल नंबर एक घर को आम देखा दुई चार छः भितर होता है जमीन टू अच्छे सिक्स अच्छे फोर अच्छे टू अच्छे जीरो अच्छे मन रहा जुग्म संख्या कौन बुझीपार तो अजुग्म संख्या आज होगा आर अपोजिट रहा जमीक ओड अजुग्म संख्या क्या कह जाए जो संख्या दुई द्वारा भाग कर पार नार अपोजिटा दुई द्वारा भाग कर यहाँ दुई द्वारा भाग कर ना जोटा है जोटा दुई द्वारा भाग कर ना सी हूँ अजुग्म संख्या ते कौन एक घर को जब एक तीन पाँच सात नौ थी मानते शून दुई चार छः आठ को छाड़ी जहाँ भी एक घर थी सी अजुग्म दुई द्वारा विभाज्य हो सी अजुग्म ओड नंबर एक्जाम्पल दीजिए कौन ना एक घर जो कौन एक तीन पाँच सात नौ थी हाँ एक तीन पाँच सात नौ रहा पाँच एट तीन एट एक पाँच एट सात एट तीन रहा नौ भी रहीपर एक घर एक तीन पाँच सात नौ रोद सी दस घर मीटर नुए दस सत घर मीटर नुए एक घरटा मीटर कैसे। तो पाने जुग्म अजुग्म विषय बुझल तो जुग्म अजुग्म पिला भितर सब कन्फ्यूज थाए ना से जुग्म अजुग्म आ मौलिक जौगिक को मिसाई दिखती। तो आम जुग्म अजुग्म बुझे पुणे बुझा ये प्राइम आउ कंपोजिट मानने कौन मौलिक कौन ना जौगिक कौन तो ये आम कौन देखा ना मौलिक आउ जौगिक। अच्छा मौलिक कौन देखो प्राइम नंबर को मत मौलिक को तो मौलिक संख्या क्या कह जाए ना कमी जानवाटा मौलिक कि जौगिक जमी जुग्म जुग्म क्लीअर है सेम मौलिक जौगिक कि डेफिनेसन थी ना हाँ अच्छे। तो मौलिक जौगिक मौलिक डेफिनेसन कौन हो जो संख्यार जो संख्यार मात्र दुईटी गुणनियक थाए मन रख जो संख्यार मात्र दुईटी गुणनियक थाए कौन कहते मौलिक संख्या बा प्राइम नंबर। देख से कौन कह अच्छा ये पढ़िया कौन ना मौलिक आ जौगिक जुग्म अजुग्म पड़े से मौलिक जुग पढ़िया। तो मौलिक गोटे डेफिनेसन पे लिखि जो संख्यार मात्र दुईट गुणनियक थाए दुईट मात्र गुणनियक था जो संख्यार ताकू मौलिक संख्या कह जाए तो भाव गुणनियक पुणी कौन हाँ गुणनीय कौन जब गुणनीयक जाणी ना ये बुझे दूसरे गुणनीय कौन देख धरा जाओ आम छ लिखा। अच्छा ठीक अच्छे अच्छा आम लिखले दुई गुण तीन दुई तीन छा दुई तीन छः लिखले। अच्छा ये यहाँ भितर गुणनीयक किए रहा गुणनीयक किए गुणितक किए ना दुई आन ये दुईटा गुणनीयक आईटा हूँ गुणितक मन रहा गुणनीयक किए ना ये आए हूँ कौन गुणनीयक किए तीन भी दुई भी दुईटा है गुणनीयक आईटा हूँ कौन तुम गुणितक बा जोटा कि कहते कौन गुणफल मन रहा सर कौन चार तीन बार ये गुणनीयक चार आन आार हूँ तार गुणितक मन रहा गुणनीयक कौन तो से भाया जो संख्यार मात्र दुईट गुणनीयक थाए मौलिक संख्या कह जाए। एक्जाम्पल तो आम क्लीअर होगा। अच्छा ठीक अच्छे आम कह फास्ट स्टार्ट दुई दुईटा पे पर बुझे दुईटा गोटे जिनस दुईटा आसे जोटा सेटा गोटे एक्सेप्ट बा व्यतीत कहते से दुई को पर बुझे बाकी सब बुझे तीन। अच्छा तीन के पुणी क्यार अच्छे ना तीन अच्छे तीन गुण न एक तीन के तीन आउ गुण पुणी क्यार अच्छे कि ना ना तेल ये जानपरल तीन लोग गुणनीयक ना एक दुई दुईटा गुण नियम से कही मात्र दुईट हाँ दुईट तर तीन गोटे हूँ कौन ना मौलिक संख्या। नेक्स्ट नंबर चार चार कौन कह चार के चार हाँ हम आ चार को पुणी क्यार अच्छे कि हाँ अच्छे दुई गुण न दुई दुई दिन चार
एट केत गुणन योग है एक दुई तीन तीन टाइम गुणन योग है केतटा से कौन कहला दुईट गुणन योग मात्र तो यहाँ हेनी जो संख्यार मात्र दुईट गुणन योग सी हम फाइव हो पार सेवेन हो पार नाइन नाइन हो पार कि देखा अच्छा फाइव हूँ फाइव पाँच के पाँच आउ कौन संख्यार पाँच अच्छे ना सात सात के सात आउ कौन संख्यार ना नौ नौ के नौ नौ कौन आउ कौन संख्यार ना कि हाँ तीन तेरी नौ तो नौ हम कि हेनी तो फाइव हम सेवेन हम थ्री हम ये टाइप हम इलेवेन हम थर्टिन हम फिफ्टन हेनी मन रख तेने दुईट मात्र गुणन हम फिफ्टन है तुम कौन हो फिफ्टन गुणन एक तीन गुणन पाँच ये तो चार्टा है दुईट मात्र गुणन हम सी हूँ कौन ना मौलिक संख्या बा प्राइम नंबर कहते बुझेगा तो ठीक है बुझे कौन जौगिक संख्या तेने तार अपोजिट रहा हूँ मौलिक तो यहाँ हूँ कौन जौगिक यौगिक कंपोजिट जोटा कहते इंग्लिश रे कहते कंपोजिट नंबर्स तो ठीक सेमती जो संख्यार दुई रु अधिक गुण नियोग तार अपोजिटा ना दुई अधिक गुण नियोग थाए ताहाको कौन कहते जौगिक संख्या कहते तो सेम एग्जाम जमीक आम नहीं मौलिक संख्यार कौन तीन ने पाँच ने सात ने एगार ने ठीक से कौन नहीं पार ये नहीं पार चार नहीं पार अच्छा चार गुण एक चार के चार फिर दुई गुण दुई दुई दिन चार तो ये कतरा गुण नहीं गला ना एक दुई तीन टाइगला ठीक से छ ना छ गुण एक तीन गुण दुई तो कतरा है एक दुई तीन चार चार्टा है सी कहे दुई रु अधिक तो दुई रु अधिक है कि नहीं दुई अधिक योग्य संख्या कह बुझीपाल तो ये नवा के पंद्रह नवा हेटी पंद्रह करेंगे पंद्रह गुणन एक तीन गुणन पाँच षोह ना सेमती षोह गुणन एक चार गुणन चार आठ गुणन दुई बहुत सारा अच्छे ये दुई तीन चार पाँच पाँचटा बाहर दुई रु अधिक मानने जौगिक तो पे भले भाव में बुझीपार तो मौलिक क्या कह जाए जौगिक क्या कह जाए गोटे जिनस अच्छे आम बुझा ये लिखि नहीं थोड़ा लिखे दूसरे गोटे जिनस अच्छी जोटा कहते व्यतीत सब जिन गोटे व्यतीत थाए ठीक सेमती ए कौन व्यतीत अच्छी देख क्वेश्चन तुम पड़ो एमती गोटे नंबर संख्या कह जेकि जुग्म भी होथ मौलिक होमती कौन अच्छे कि जुग्म भी मौलिक साधारण तो अजी थी सेमती कौन ना देख ना दुई दुईटा गोटे जुग्म संख्या जान जोटा गोटे इन नंबर जान कि नहीं जान सी भी मौलिक कहीं यहाँ जुग्म हम कहीं जुग्र डेफिनेसन हो एक घर शून्य दुई चार छः थी तो दुई रहा से जुग्म तो मौलिक डेफिनेसन में ये धरती कौन ना जहाँ दुईट मात्र गुण नियोग था तो दुई रुण नियोग दुई गुण एक दुई तो आप गुण शुणी करना है ना तो दुई एक मात्र दुईट गुण नियोग से हिसाब से दुई हूँ जुग्म और मौलिक मन रखता जुग्म और मौलिक जुग्म भी हो मौलिक भी होमती दुई छड़ा आ कौन सी संख्या भी ना किए दुई दुई व्यतीत तो एमती कौन से संख्या नहीं जेकि जुग्म होता सहित मौलिक होवल दुई जहाँ जुग्म आौलिक यही नहीं कि छोटी कथ को लेकिन बहुत क्वेश्चन पिला फेस कर जब क्लीयर हो जाविधा हम तो आज चैप्टर ये रखा सब विदाय दिंतु नमस्कार आज जब आम पाठटी भल लगे क्लास टी भल लगे तेल निहाती लाइक सेयार सब्सक्राइब कर धन्यवाद।